हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप बच्चों? आज हम आपकी क्लास थर्ड की इंग्लिश की 69th नंबर वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये आपकी वर्कशीट है 69। नेम ऑफ स्टूडेंट में आपको अपना नेम लिखना है और डेट लिखनी है जिस दिन आप वर्कशीट को सॉल्व करोगे। हमारा लर्निंग एरिया है बच्चों रीडिंग एंड राइटिंग। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों, मैच द वर्ड्स विद देयर अपोजिट वर्ड्स। तो बच्चों आज हम करेंगे अपोजिट वर्ड्स यानी विलोम शब्द, जो बिल्कुल अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं एक दूसरे। ठीक है बच्चों? तो फर्स्ट है बच्चों बोर्न। बोर्न का अर्थ होता है पैदा होना, जन्म लेना। उसका अपोजिट आएगा डाइड। डाइड का अर्थ होता है मरना। थ्रो, थ्रो का अर्थ होता है फेंकना, और इसका अपोजिट होता है कैच, पकड़ना। थ्रो मीन्स फेंकना, कैच मीन्स पकड़ना। एक्टिव, बच्चों एक्टिव का अपोजिट होगा पैसिव। कॉपरेशन, कॉपरेशन का अर्थ होगा बच्चों अपोजिट होगा नॉन कॉपरेशन। नेक्स्ट है बच्चों टेक। टेक का अपोजिट होगा गिव। एंड काइंड, काइंड का अपोजिट होगा क्रूर। मैनी, मैनी का अपोजिट होगा फ्यू। मैनी का अर्थ होता है बहुत और फ्यू का अर्थ होता है कुछ। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको अपोजिट करने थे। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन अबव। बच्चों आपको नीचे यहाँ पर वर्ड्स को यूज करना है और फिल करना है। ठीक है बच्चों? तो यहाँ लिखा हुआ है सागर मल गोपा वाज, तो यहाँ पर आएगा बोर्न। सागर मल गोपा का पैदा हुए थे ऑन नवंबर 3 नवंबर को पैदा हुए थे 1900 इन जैसलमेर। 1900 में, 3 नवंबर 1900 में जैसलमेर में उनका जन्म हुआ था सागर मल गोपा का। ही टुक एन एक्टिव पार्ट इन द स्वदेशी मूवमेंट इन 1921। यहां पर आएगा बच्चों स्वदेशी। He was arrested on May 25, 1941। बच्चों यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि उन्हें 25 मई 1941 को अरेस्ट यानी गिरफ्तार कर लिया गया था। He was tortured in prison for many years। इसका मतलब है कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो प्रिजन का अर्थ होता है जेल। जेल में उन्हें बहुत सालों तक प्रताड़ित किया गया, उन्हें सजा दी गई, तो यहाँ पर आएगा मैनी ईयर। ही डाइड ऑन 4 अप्रैल 1946 इन प्रिजन। तो बच्चों यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि 4 अप्रैल 1946 को वे जेल में ही मर गए। तो बच्चों इस तरह से आपको ये वर्कशीट कंप्लीट करनी। Thank you. Have a nice day.